और लौंडो कैसे हो तुम लोग। तो स्वागत है तुम लोग का गुरुजी के ट्रिक्स के एक नए एपिसोड में, जहाँ पे फिर से तुम्हारा भाई तुम लोग के लिए कुछ ऐसे ट्रिक्स बग्स और ग्लिचेस लेके आ गया, जिनको देखने के बाद तुम लोग पूरा पगला जाओगे कि ऐसा भी कुछ अपने गेम में होता है। और हाँ, दूसरा या तीसरा नंबर वाला ट्रिक ना काफी ज्यादा भयंकर है, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। और हाँ, अगर तुम लोग चैनल पर नए आ रहे हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर सबसे पहले वाले बग को करने के लिए तुम लोग आ जाना परगेटरी मैप के इस वाली जगह पे, और तुम लोग इस वाली जगह के देख सकते हो फील्ड साइड के पास में कुछ ऐसे ये वाला ट्रक गिरा हुआ है, इसके पास आ जाना। देन तुम्हारे पास होना चाहिए तुम्हारा मिनी लॉन्च पैड जो कि अपना ब्रह्मास्त्र है। फिर तुम लोग अपने लॉन्च पैड को कुछ ऐसे लगाना जैसे मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, और जैसे तुम्हारा लॉन्च पैड यहाँ पे लग जाता है फिर तुम लोग इसके ऊपर चढ़ जाना है कुछ ऐसे। फिर तुम्हारा जो लीव और मिनिमाइज का बटन होता है ना, दोनों को साथ में दबा के गेम में वापस आना। देन तुम लोग देख ही पा रहे हो तुम लोग पूरा टूटे हुए ट्रक के अंदर आ चुके हो। और अब जैसे तुम लोग इस वाले ट्रक के अंदर आ जाते हो, यहाँ आने के बाद तुम लोग बहुत ही आराम से अपना रैंक पुश कर सकते हो और बहुत ही सारे किल कर सकते हो, क्योंकि इस वाली जगह पे तुम लोग को कोई नहीं देखने वाला है, लिटरली कोई नहीं देखने वाला है, क्योंकि इस वाले गिरे हुए ट्रक के अंदर कोई नहीं दिखेगा भाई, क्योंकि यहाँ पे भी कोई बंदा छुप सकता है और यहाँ पे भी छुपने की जगह हो सकती है। तो ये वाला बग ना काफी ज्यादा अमेजिंग और खतरनाक है, तो इस वाले बग का इस्तेमाल जरूर करना तुम लोग गेम में। और हाँ, अगर तुम लोग रैंक पुश करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे, क्योंकि तुम लोग के लिए मैं डेली वीडियो लाता जिसमें तुम लोग को मैं कुछ ऐसे ट्रिक्स और बग्स बताता हूँ जिनकी सहायता से तुम लोग बहुत ही आराम से अपना रैंक पुश करके ग्रैंड मास्टर तक पुश कर सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो अपने अगले वाले ग्लिच को करने के लिए तुम लोग आ जाना इंडोनेशिया सर्वर में, और यहाँ पे जैसे ही तुम लोग आ जाते हो तो तुम लोग को एक बार तुम्हारे पास एक कोड होना चाहिए जो कि तुम लोग को स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा हो या कमेंट में मैं पिन कर दूंगा। तो सबसे पहले तुम लोग आना है क्राफ्ट लैंड में, और तुम लोग को आ जाना यहाँ पे जो अपना सर्च का ऑप्शन होता है यहाँ पे, देन तुम लोग ये वाले कोड को पेस्ट कर देना जो तुम लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, और स्पेस होगा बीच में तो काट देना तुम लोग उसको, और ऐसे कुछ करके अपने कोड को पेस्ट कर देना है। फिर तुम लोग अपने मोड को स्टार्ट कर लेना है कुछ ऐसे, और जैसे ही तुम्हारा मोड स्टार्ट हो जाता है और जैसे तुम लोग गेम में जाते हो उसके बाद तुम लोग देख ही पा रहे हो गेम में आते ही तुम्हारे एक हाथ कितना बड़ा हो चुका है भाई, तुम्हारे पूरे शरीर पूरा है तुम्हारे मुंह से बड़ा एक हाथ हो चुका है तुम्हारा, तुम लोग देख ही पा रहे हो, और एक ही हाथ बड़ा हुआ है, मतलब कि ये वाला बग काफी खतरनाक है। मैं क्या बताऊं मैं तुम लोगों को, ये वाला बग काफी ज्यादा अमेजिंग और खतरनाक है। और यहाँ पे अगर तुम लोग गन लेते हो इस हाथ में तो तुम्हारा गन भी कितना बड़ा हो चुका है तुम लोग देख ही पा रहे हो, और अगर गन तुम लोग अपने पीछे कर लेते हो ना पीठ पे तो यहाँ पे तुम्हारा गन छोटा हो जाएगा, लेकिन जैसे तुम लोग इस वाले गन को हाथ में लोगे तुम लोग देख ही पा रहे हो तुम्हारा गन कितना बड़ा हो चुका है भाई, मतलब कि ये वाला बग ना काफी ज्यादा अमेजिंग और खतरनाक है, क्योंकि ऐसा बग अपने गेम में कभी नहीं आया था जिसमें अपना एक हाथ इतना बड़ा हो या कोई गन हाथ में लेते इतना बड़ा हो जाए अपना गन, तो मतलब ये वाला बग लिटरली काफी ज्यादा अमेजिंग और खतरनाक है। तो इस वाले बग का इस्तेमाल जरूर तुम लोग करो और जाओ यार इंडोनेशिया सर्वर में इस वाले बग को ट्राई करो, और ये वाला बग देखने के बाद तुम लोग पक्का शौक हो जाने वाले, और तुम लोग ना सोच में पड़ जाओगे कि ऐसे भी कुछ हो सकता है क्या अपने गेम में। और यहाँ गोली मारोगे तो लगेगा भी इतने बड़े वाले गन से भी तुम लोग देख ही पा रहे हो, यहाँ पे एक बंदा आता है मैं इसको मारता हूँ और लगता भी है उसको, मतलब कि ये वाला बग काफी ज्यादा अमेजिंग है, तो ऐसे ट्राई जरूर करना, और एक बार तो बनता ही करे ना, इसे कब हटा देगा मुझे नहीं पता, तो एक बार जरूर ट्राई करो इसे जाके तुम लोग। तो मैं अगले वाले ग्लिच को करने के लिए तुम लोग आ जाना नेक्स्ट्रा मैप की इस वाले वेंडिंग मशीन के पास, और तुम लोग देख लो ये वाला वेंडिंग मशीन कहाँ है, और यहाँ पे आने के बाद तुम लोग को फ्री में जो चीज़ें मिलती है यहाँ से तुम लोग ले सकते हो। वैसे मैं बग तो ये नहीं है कि फ्री में चीज़ें लेनी है यहाँ से, तुम लोग को सबसे पहले यहाँ से जो भी फ्री में चीज़ें मिलती है उसको ले सकते हो, तुम लोग ग्रेनेड वगैरह जो भी मिले वहाँ से ले सकते हो। देन तुम लोग इसके पीछे आना और तुम्हारे पास एक लॉन्च पैड होना चाहिए अपना मिनी वाला, फिर तुम लोग अपने लॉन्च पैड को कुछ ऐसा लगाना है यहाँ पे, फिर तुम लोग इसके ऊपर चढ़ जाना है, फिर तुम्हारा जो लीव और मिनिमाइज का बटन होता है दोनों को साथ में दबाना है, देन तुम लोग को गेम में वापस आना है। उसके बाद तुम लोग देख ही पा रहे हो तुम लोग पूरा पिलर के अंदर आ चुके हो, और पिलर के अंदर मींस तुम लोग पूरा ये वेंडिंग मशीन के पास आ चुके हो, और जो वेंडिंग मशीन है पिलर के पास था ना यहाँ पे आ चुका है, और यहाँ पे जो भी बंदा आएगा ना वेंडिंग मशीन में चीज़ें खरीदने के लिए या अपने टीममेट्स को रिवाइव करने के लिए या जो भी करने, तो तुम लोग इजीली उसे मार सकते हो और बहुत ही आराम से यहाँ से बहुत ही सारे किल कर सकते हो, और स्क्वाड में तो ये वाला ट्रिक काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग और खतरनाक हो जाता है। तो इस वाले ट्रिक का इस्तेमाल तो जरूर बनता है यार, तो जाओ यार मतलब इस वाले ट्रिक को इस्तेमाल करो। सबसे पहले तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखो, उसके बाद तुम लोग सारे बग्स को देखो और जाओ गेम में ट्राई करो सारे बग्स, और मुझे कमेंट में बताओ कि सारे बग्स मतलब काम करते हैं नहीं करते हैं। तो अपने अगले वाले ट्रिक को करने के लिए तुम लोग को आ जाना फुटबॉल वाले ग्राउंड में अपने सोशल आइलैंड में, देन तुम लोग को करना है सबसे पहले फुटबॉल को ऊपर से नीचे आने देना, और जैसे तुम्हारा फुटबॉल नीचे आ जाता है तुम लोग को एक बार एम करना है अपने फुटबॉल पे कुछ ऐसे, और फिर तुम लोग अपने फुटबॉल को सीधे मारना एकदम सामने की साइड, और तुम्हारा फुटबॉल वापस लड़के आ सकता है यहाँ पे कुछ ऐसे। तो तुम लोग को यहाँ से लेके चलना है अपने फुटबॉल को कुछ ऐसे, और इस वाली जगह पे ना लागे तुम लोग अपने फुटबॉल को कुछ ऐसे लगा देना जैसे मैंने लगाया पूरा इस लाइन के ऊपर, देन जैसे तुम्हारा फुटबॉल लग जाता है तुम लोग को थोड़ा सा पीछे आना, देन तुम लोग इसके ऊपर दौड़ के चढ़ जाना है कुछ ऐसे, और जैसे तुम लोग चढ़ जाओगे ना फिर
तुम लोग अपने गेम को मिनिमाइज करना है दौड़ते हुए, और जैसे तुम लोग गेम को मिनिमाइज कर गेम में वापस आओगे तुम लोग देख ही पा रहे हो तुम अपने गन के साथ फुटबॉल ग्राउंड से बाहर निकल चुके हो। जो अपना गेम का वो गन होता है ना, जो फुटबॉल ग्राउंड का जो नीचे वाला वो बना हुआ होता है सर्कल टाइप का, उसके साथ तुम लोग पूरा फुटबॉल ग्राउंड से बाहर आ चुके हो, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और अमेजिंग है। और कोई बंदा ट्रेनिंग ग्राउंड का देखेगा भी ना तुम्हें तो पूरा पगला ही जाएगा कि इसके बाद ये वाली गन कहाँ से है यार, क्योंकि फुटबॉल ग्राउंड में ये वाली गन मिलती है लेकिन तुम लोग इसके बाहर लेके भी मतलब आ सकते हो, तो ये अलावा काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग। और तुम लोग ये वाला कुर्सी वाला ट्रिक पता ही होगा कि यहाँ पे आके ये वाला फायर बटन करना है और तुम लोग यहाँ पे कुर्सी पे उल्टा बैठ जाओगे, मैंने पिछले बक्स में भी बता रखे हैं तो उससे जाके वीडियो देख सकते हो तुम लोग, और ये सारे बक्स देख सकते हो, मतलब कि ये वाला बक लिटरली काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। तो इस वाले बक को ट्राई करना तो ज़रूर बनता है यार, तो जाओ यार इस वीडियो को पूरा देखो, नहीं देखो पूरा, उसके बाद तुम लोग जाके इन सारे बक्स को ट्राई करो, ये वाला बक खासकर तुम लोग ट्राई करना फुटबॉल वाला, क्योंकि ये वाला बक काफ़ी ज़्यादा ईजी है करने में, और अपने फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना। अपने अगले वाले बग को करने के लिए तुम लोग को आ जाना पर गेटरी मैप में, देन तुम लोग को इस वाले ट्रक के पास आ जाना, और ये वाला ट्रक कहाँ पे है तुम लोग नहीं देख पा रहे हो तो देख लो तुम लोग ये वाला ट्रक कहाँ पे है। फिर तुम लोग यहाँ पे कुछ ऐसे इस वाले लॉन्च पैड को लगाना है, फिर तुम लोग इसके ऊपर चढ़ना है, फिर तुम्हारा जो लीव और मिनिमाइज का बटन होता है दोनों को साथ में दबा के गेम में वापस आना है। देन तुम लोग देख ही पा रहे हो तुम लोग पूरा ट्रक के अंदर आ चुके हो, और जैसे कि तुम लोग को पता है कि तुम लोग ब्राजीला के बीच में हो, तो यहाँ से तुम लोग कितने बंदे मार सकते हो मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे बंदे आते हैं ब्राजीला पे, तो यहाँ से तुम लोग बहुत ही सारे बंदों को मार के अपना रैंक पुश कर सकते हो, अपनी केडी रेट भी बढ़ा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे तुम लोगों को कोई तो देख नहीं पाएगा और तुम लोग यहाँ से बहुत ही ज्यादा किल कर पाओगे बहुत ही आराम से। तो इस वाले ट्रिक को जरूर इस्तेमाल करना तुम अपने रैंक पुश करते टाइम। तो अपने लास्ट वाले बग को करने के लिए तुम लोग को मिल पे आ जाना, और तुम लोग में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि ये वाला जगह जो है यहाँ पे पैक हुआ है मिल के साइड पे, यहाँ पे हम 2019 या 20 में इसके नीचे जा सकते थे, मतलब वहाँ पे बैठने पर ऑटोमेटिक करेक्टर मतलब वाली जगह तुम लोग को नीचे फेंक देती थी, तो वहाँ से निकलने का कोई ऑप्शन नहीं था, मैं भी एक दो बार फंस चुका हूँ उसमें। तो इस वाले बग को करने के लिए तुम लोग आ जाना मिल पे, देन तुम लोग यहाँ पे कुछ ऐसे लॉन्च पैड लगाना है, फिर तुम्हारा जो लीवर मिनिमाइज का बटन होता है दोनों को साथ में दबा के गेम में वापस आना है। देन तुम लोग देख ही पा रहे हो तुम लोग पूरा आ चुके हो अपने मिल के वो नीचे वाले साइड के अंदर, और सिंपली बोला जाए कि तुम लोग पूरा मिल के नीचे ही आ चुके हो, और यहाँ पे आने तुम लोग बहुत ही आराम से अपना रैंक पुश कर सकते हो, और यहाँ से तुम लोग बंदे नहीं मार सकते हो क्योंकि यहाँ से गोलियां नहीं लगती ऊपर की साइड या नीचे की साइड, और यहाँ से तुम लोग निकल भी नहीं सकते हो, तो ये मत सोचना कि यहाँ पे आने के बाद तुम लोग निकल जाओगे तो निकल नहीं सकते हो, सोच समझ के इस वाली जगह पे आना। अगर अपना लास्ट जोन यहाँ पे बनता है तो अभी तुम लोग यहाँ पे आ सकते हो अपने रैंक गेम में, और ना क्लासिक में तुम लोग मजे करने के लिए यहाँ आ सकते हो, तो ये वाला बग काफी ज्यादा अमेजिंग है, तो इस वाले बग को भी जरूर ट्राई करो जाके तुम लोग, और हाँ वीडियो खत्म हो चुके हैं तो जाके ट्राई कर सकते हो। तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद है कि तुम लोग को ये वाली वीडियो काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी, और हाँ अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो बस अभी के लिए बस इतना ही बोलना था, तो वीडियो खत्म, भागो यहाँ से।